दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। बर्थडे तो बहुत देखे होंगे, घर में, पार्टी में, इत्यादि जगह पे देखे होंगे, लेकिन बनारस का 73वां वर्ष मनाया जा रहा है, वो भी बनारस के घाटों पे। देखिए कि यहाँ पे तमाम लोग हैं और यहाँ पे बनारस का 73वां वर्ष बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और इत्यादि लोग दूर दूर से आए हैं। जो पर्यटक आए हैं वहाँ पर बहुत सेलिब्रेट भी कर रहे हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काशी स्वयं में अभिलाषी हो और उसका जन्मदिन मनाया जाए तो एक क्या कहा जाता है, बहुत अलग आनंद आता है। सीधे तौर पे हम चलते हैं यहाँ पे जो इस तरीके से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभिषेक जी, क्या आज आप लोगों ने काशी का और बनारस का जन्मदिन मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? यह वास्तव में हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। जब से वो मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने कहा था, सभी जो नगर निगम के हैं, जो तमाम जो अधिकारी हैं, उनको कहा था कि जो भी जिले का एक आधिकारिक रूप से जिला घोषित हुआ था उसका एक जन्मदिन मनाया जाए। और वास्तव में शासन के निर्देशानुसार नगर निगम को यह जिम्मेदारी दी गई और नगर निगम के द्वारा नगर आयुक्त प्रणय सिंह जी ने 5 लोगों की कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक ये निष्कर्ष निकाला कि 15 अक्टूबर 1949 को जो बनारस है वो जिला उसका गठन किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि पहले राजवंश हुआ करता था, राजाओं का राज्य हुआ करता था, उसके बाद ये जब केंद्र संघ में अधीन हुआ और उसके बाद ये हुआ कि जो भी राजा हैं, जो भी उनके यहाँ जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे एक ट्रस्ट के माध्यम से सरकार मदद करेगी और यह फिर जिला बना। बनारस जिला बनने के बाद इसका जन्मदिन जैसा हम लोग को पता चला तो हम लोग यहाँ पर मनाएं, क्योंकि हमने इस स्थान दशाश्वमेध को इसलिए चुना क्योंकि देसी और विदेशी पर्यटक आते हैं और वास्तव में जो लोग सुनते थे कि काशी अविनाशी है, काशी का कोई इतिहास नहीं है, वो उस बात को प्रामाणिकता के साथ लेकर आज यह भी सिद्ध हो रहा है कि बनारस एक जिला घोषित हुआ और आज ये तिथि थी कि जो जिला घोषित होने के बाद जन्मदिन आज इसका मनाया जा रहा है। 73 साल हो गए, क्या कुछ शहर में बदलाव हुआ? देखिए, भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष और बनारस का 73वां वर्ष, वास्तव में आज़ादी का अमृत महोत्सव और 73वां, ये वास्तव में बदलाव का प्रतीक है। हम ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां पर देसी विदेशी पर्यटक आते हैं और ये बदलाव की बयार सब महसूस कर रहे हैं। विश्वनाथ धाम हो, चाहे एक्सप्रेस हाईवे हो और तमाम चीज़ें जहां पर पर्यटकों और लोकल लोगों के हित के लिए कार्य होने चाहिए वो कार्य हुए हैं और सब बदलाव महसूस कर रहे हैं और देखा जा रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे जन्मदिन को लेकर? आज जन्मदिन को लेकर के यही कहेंगे, जैसा कि एक आधिकारिक तौर पर इसको एक ज़िले के तौर पर घोषित किया गया 15 अक्टूबर 1949 में, उस हिसाब से जैसे हम सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं एक सिटीजन होने के तौर पे, उस नाते पे हमें अपने शहर के लिए, अपने ज़िले के लिए भी एक छोटा सा कार्यक्रम करते रहना चाहिए। और ये बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है कि आज मैं इसका हिस्सा हूँ और अपनी एनजीओ टीम स्वागतम काशी के द्वारा मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका मिला है। ठीक है, कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी होती है। सबसे बड़ी बात कि हम अपने परिवार में, अपने घर के सदस्यों का जन्म दिवस मनाते हैं और ये हमारी काशी है। इस काशी को देश ही नहीं, विश्व के लोग पर्यटन के लिहाज से आते हैं और यहाँ इंजॉय करते हैं, यहाँ के लोग खड़ी होते हैं। और ऐसे में ही हमको ये चाहिए कि हम भी इस चीज़ को याद रखें और बड़े स्तर पे, अभी तो मान लीजिए हमारी शुरुआत है, हम स्वागतम काशी फाउंडेशन के अपने अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस परिकल्पना को साकार किया। बहुत खुशी हुई और ऐसा ही अवसर हम समझते हैं कि हमें मनाना चाहिए। ठीक है, ये बताइए कि आज आप लोगों ने इस घाट पे किस तरीके से जन्मदिन मना रहे हैं बनारस? हमें तो बहुत सौभाग्य का है, बाबा विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय, कि आज पूरा ये श्रेय अभिषेक भैया को जाता है, भैया की ये याद दिलाए। नहीं तो हमें तो याद भी नहीं कि इतने दिनों से अपना इसी जगह जन्म स्थान है, हमें पता भी नहीं कि हाँ बनारस का जन्मदिन भी आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि अभिषेक भैया के तरह से जाता है बाबा विश्वनाथ महादेव। तो देखिए, यहाँ पे हर हर महादेव के उद्घोष के साथ यहाँ पे जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो जगह है, जो स्थान है, भीड़ भाड़े वाले जगह है और यहाँ पे हजारों दर्शनार्थी दूर दूर से आते हैं और गंगा जी और बाबा विश्वनाथ और इत्यादि जो यहाँ पे मंदिर हैं उसका दर्शन पूजन करते हैं। देखिए, जस्ट हमारे सामने गंगा जी दशाश्वमेध घाट की मूर्ति
दशाश्वमेध घाट घाट है और इसी बगल में देखिए कि नया दशाश्वमेध भवन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौजन्य से बनाया जा रहा है। जब ये लोकार्पण हो जाएगा और यहाँ पे जब सारी चीज़ रात को जब आएंगे तो इसका एक अद्भुत नज़ारा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अब आज बनारस का जो जन्मदिन बहुत भव्य से मनाया गया है, तो जाहिर सी बात है अगर आप ये देख रहे हो तो अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो अगले साल ज़रूर आप आइएगा इस डेट पे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।